बरेली में फतेहगंज पूर्वी से गर्भवती महिला को लेकर आ रही 108 एम्बुलेंस अचानक खंभे से टकरा गई, जिसमें गर्भवती महिला समेत एम्बुलेंस चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला की डिलीवरी कराई गई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जानकारी के मुताबिक फतेहगंज पूर्वी के झादा गांव की रहने वाली अंजलि को मंगलवार तड़के करीब 4:15 बजे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर पति रवि अंजलि को लेकर फरीदपुर CHC पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मना कर दिया और बरेली के अस्पताल में ले जाने को कहा, जिसके बाद करीब 4:30 बजे एम्बुलेंस से अंजलि को लेकर जिला अस्पताल की ओर चल पड़े। इस बीच बिथरी थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचने पर अचानक एम्बुलेंस रोड पर लगे खंभे से टकरा गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक दीपक, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन दीपेंद्र और गर्भवती अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि पति रवि को भी मामूली चोटें आई हैं। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से निकाला और जिला अस्पताल भेजा, जहां जिला महिला अस्पताल में महिला की डिलीवरी कराने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जबकि अंजलि ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में बच्ची को भी चोटें आई हैं। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है। क्या हुआ आज, कहां से कहां जा रहे थे? गांव से लेके आए थे, पहले फरीदपुर में एडमिट करा था। अच्छा। तो फरीदपुर में मना कर दिया था कि यहां नहीं होगा, कि ये बच्चा का जन्म यहां नहीं होगा। तो यहां से एम्बुलेंस करी फरीदपुर से, तो फरीदपुर से एम्बुलेंस करके उसके बाद ये बरेली लेके आ रहे थे। अच्छा। बरेली लेके आ रहे थे, रास्ता में एक्सीडेंट हो गया। क्या नाम पत्नी का तुम्हारी? मेरी पत्नी का सविता नाम है। सविता। बच्चा होने वाला है उनके? बच्चा होने था हमारे भतीजे भोग का। अच्छा। ये हमारा भतीजा, ये बैठा था उसी वाले। अच्छा। हमारा भतीजा। तो कितने लोग चोटें आई? लोग चोटें लगी हैं, चार लोग। और जो इससे बच्चे का भी चोट लगी थी, जो अच्छा भर्ती कराया उसके भी चोट है बच्चा की।